वेलकम टू आहुजास रेसिपी। आज हम आपके लिए लाए हैं चना दाल समोसा की रेसिपी। ये समोसा बाकी सब समोसे से बिल्कुल अलग है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप ये समोसा एक बार खाएंगे तो बाकी सब समोसे का टेस्ट भूल जाएंगे, ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कप चना दाल लेंगे, माप में ये 200 ग्राम है। इसे हम 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये समोसा बनाने के लिए मैंने जो पट्टी यूज़ की है वो होममेड है, उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिर साफ़ पानी डालकर हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए भीगने देंगे। अगर आपको जल्दी समोसा बनाना हो तो आप दाल को गर्म पानी में भिगोएं, जिससे वो 2-3 घंटे में ही भीग कर तैयार हो जाएगी। तो देखिए 5-6 घंटे के बाद दाल अच्छे से भीग गई है। अब इसे हम 1-2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर कुकर में डालकर हम इसे एक विसल लगाकर बॉईल कर लेंगे, जब तक कि दाल अच्छे से पक जाए। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस दाल डूब जाए उतना ही। दाल ज़्यादा गलनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो समोसा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह दाल खड़ी भी रहनी चाहिए और अच्छे से पक भी जानी चाहिए। इतना हम दाल को पकाएंगे। अब दाल को हम स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे, ताकि जो इसका पानी हो वो निकल जाए और दाल भी अच्छी तरह ठंडी हो जाए। फिर हम दाल को चम्मच से इस तरह अलग अलग कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आप इस तरह करते जाएं, जिससे नीचे की जो दाल है वो ज़्यादा पके ना। अब हम समोसे का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें 1/2 चम्मच तिल डालेंगे, ये सफ़ेद तिल है, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर इसे कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। अब 2 बड़े चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर हम 200 ग्राम एकदम बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ले लेंगे, इसे भी हम इसके अंदर डालकर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम इस समय मीडियम रखेंगे। समोसा बनाने के लिए मैंने जो ये मेज़रमेंट लिया है सभी चीज़ों का, उससे 50 से 60 जितने समोसे बनकर तैयार होंगे। तो पत्ता गोभी को अब मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे। तो 2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, 2 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच नींबू का रस या फिर 1 बड़े नींबू का रस, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दें, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए पका लेंगे। इस समोसे में खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसमें 50 ग्राम पोहा डालेंगे। पोहा हमें धोकर नहीं डालना है, इसे हम सूखा ही डालेंगे। पोहा डालने से स्टफिंग में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये सोख लेता है, जिससे समोसे का जो स्टफिंग है वो एकदम ड्राई रहता है और समोसा भी फटता नहीं है। इसे भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें बॉईल की हुई चना दाल डाल देंगे। फिर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे सभी मसाले दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो अब मसाला अच्छे से भुन गया है, समोसे का स्टफिंग तैयार है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एकदम ठंडा होने देंगे। समोसे का स्टफिंग अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें इस समोसे का मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो है पुदीना।
पुदीना से इस समोसे का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है। तो इसमें हम बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे, ये 50 ग्राम जितना पुदीना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, फिर इसे भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पुदीना आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला जब गर्म हो तब हमें पुदीना इसमें नहीं डालना है, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। इसीलिए जब मसाला एकदम ठंडा हो जाए तभी हमें इसे डालना है। तो समोसे का स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब हम समोसा चिपकाने के लिए लेई तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल में हम एक चम्मच मैदा लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक पतली स्लरी तैयार कर लेंगे। आप इसकी कच्ची लेई भी तैयार कर सकते हैं, उसे आप थोड़ा सा गाढ़ा ही रखें, लेकिन मैं इस लेई को पका रही हूँ। इस तरह करने से समोसे बहुत ही जल्दी चिपक जाते हैं और एकदम कम मैदे में हम ज़्यादा लेई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तब इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है। लेई जब गाढ़ी हो जाए उसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए ही इसे पकाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए कितनी बढ़िया लेई बनकर तैयार हुई है। अब हम समोसा भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम हाथ में इस तरह से पट्टी रख लेंगे, फिर एकदम कॉर्नर पर हम स्टफिंग रख देंगे एक चम्मच जितना। फिर पट्टी को अंगूठे और उंगली की मदद से पकड़कर इसे राइट साइड हम मोड़ेंगे, फिर दूसरे हाथ के अंगूठे से हम इसे पकड़ के रखेंगे और फिर वापस से लेफ्ट साइड मोड़ देंगे। फिर मसाले को हम अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और फिर वापस से इसे राइट साइड मोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा समोसा बढ़िया तरीके से फोल्ड हो गया है। अब ऊपर की तरफ हम ले लगाकर इसे इस तरह से चिपका देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया समोसा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको एक दूसरी मेथड भी बताती हूँ। उसके लिए हम हाथ में वापस से एक पट्टी लेंगे, उसे इस तरफ पहले राइट साइड मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड मोड़कर हम इसका एक कोन तैयार कर लेंगे। फिर इसे अंगूठे से पकड़े रखें और दूसरे हाथ से इसके अंदर स्टफिंग डालें। स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी ना भरे, जितने समोसे की पट्टी हो उसी अनुसार भरें। फिर समोसे की स्टफिंग को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। फिर जिस हाथ में हमने पट्टी रखी है उसी हाथ के अंगूठे से हम इसे इस तरह दबा के रखेंगे और दूसरे हाथ से पकड़कर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर ऊपर की तरफ लेई लगाकर हम इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो देखिए इस तरीके से भी आप समोसा बना सकते हैं। अब हम इस एंगल से भी समोसा बनाना देख लेते हैं। स्टार्टिंग में शायद एक दो बार समोसा आपसे बिगड़े भी, लेकिन आप ट्राई करते रहें, ये ज़रूर बनने लगेगा। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। सारे समोसे जब बन जाए फिर हम इसे आधा पौना घंटा रहने देंगे और उसके बाद ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे तुरंत फ्राई करेंगे तो ये खुलने लगते हैं। अब हम समोसा फ्राई कर लेते हैं। समोसा फ्राई करने के लिए तेल हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस आप इस तरह पट्टी डालें और ये धीरे धीरे ऊपर आए, उस तरह का तेल हमें गर्म करना है। तो समोसा तलने के लिए तेल परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हम इसमें समोसा डालेंगे। समोसे तलने की पूरी प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखना है, तभी हमारे समोसे एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आप इसे कुछ घंटों के बाद भी खाएंगे तो भी ये वैसे के वैसे क्रिस्पी रहेंगे। थोड़ी देर के बाद हम समोसा को पलट लेंगे। इसी तरह हम उलट पलट कर समोसे को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। समोसे को आप फास्ट गैस पर बिल्कुल भी ना तलें और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसे पर बबल्स आ जाते हैं। समोसे आपको बाहर से तो गोल्डन ब्राउन दिखेंगे लेकिन अंदर से समोसे का लेयर कच्चा रह जाएगा और ये थोड़ी देर के बाद एकदम नरम हो जाते हैं,
खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो समोसे अब तलकर तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हम टिश्यू पेपर रख लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये सोख ले। तो लीजिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट चना दाल समोसा बनकर तैयार है। इसे आप ग्रीन चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये ऐसे भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे नए नए रेसिपीज के वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।